हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सुल्तान तो सुल्तान फिल्म का तमिल तेलुगू और हिंदी वर्जन कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं एक जानकारी देने वाला हूँ साथ ही में फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर मैं प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म का एक रिव्यू होने वाला है जहाँ पे हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाले इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है

हरिहरण सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फिल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फ़िल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए है यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के ए सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना ऑपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुकमणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय एंड जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपील एक्सपीरियंस है ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एम एस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अरजय ने थलाईवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली मलई स्वामी नागी सेंद्रन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झचक रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक <coughs> रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफी बढ़िया नजर आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नजर आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफी दमदार नजर आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहां पर कुछ गाने काफी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नजर आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि बकाया बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहां पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहाँ पर पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून दो में कम्प्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल अट्ठाईस जून दो को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेठ 10 जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस सीरील को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था कार्थी ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग, अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स है गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारयम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सिलम्बरसन मार्विन सोलोमन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में, में प्रोड्यूसर एस प्रभु ने क्लेम किया आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि यह फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइनटीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्मी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज़ करने के बाद फिल्म को मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म रिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहाँ पे पचपन करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए प्लस ने जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर आपको सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स ख़रीदे हुए गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स दोनों गोलमाइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में ख़रीदे हुए हैं जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल माइन्स के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविज़न पे गोल माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे वहीं पे यूट्यूब पे गोल माइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगू तमिल और हिंदी तीनों वर्ज़न आ, सुल्तान फिल्म की एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेकरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कनन ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए है यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरेंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एमएस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ है और अर्जय ने थलाइवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली मलई स्वामी नागी नीडू सेंद्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सेंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मि रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की ये तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफी बढ़िया नजर आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नजर आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफी दमदार नजर आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहां पर कुछ गाने काफी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नज़र आते हैं इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्ती बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहां पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून दो में कम्प्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल अट्ठाईस जून दो को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेट दस जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था कार्थी ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्शन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्शन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फ़िल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाया हुआ विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारैम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सिलम्बरसन मार्वेन सोलोमन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही थी और ये सभी चीजें मेकर्स नहीं चाहते थे जिस वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्रेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आईएमडीबी पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे 55 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओटीटी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओटीटी राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉट ने जिन्होंने दो मई दो को डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ इंग्लिश सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोलमाइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविजन के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स दोनों गोल माइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमैंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल माइन्स के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पर गोल्ड माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल्ड माइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म के एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेकरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फिल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यांश सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फ़िल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए है यानी कि जो पुरान है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के एस सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुकमणी के रोल में दिखाई देंगी लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय एंड जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपील एक्सपीरियंस है ने रुक्मणी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एम एस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अर्जय ने थलाईवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगमपुली मलई स्वामी सेन्द्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कारच्य अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की ये तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नज़र आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ वरेज भी नज़र आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्ती बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहाँ पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहाँ पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेठ 10 जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग, अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स के गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारय इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्विन सोलोमोन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कलाय कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही दो अप्रैल दो 2021। हजार इक्कीस मार्च दो हजार इक्कीस में प्रोड्यूसर एस प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइनटीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्मी प्लेटफॉर्म पे आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहाँ पे पचपन करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओ राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगू वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉस्टार ने जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविजन के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स दोनों गोल माइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलम्स वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वंग्लिश सब टाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पे गोल के टेलीविज़न चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म की एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कनन ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान्श सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के ए सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना ऑपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जैन जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरियंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एम भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ है और अर्जय ने थलाईवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली मलई स्वामी नागी निडू सेंद्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मि <laughs> रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम ज़रूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफी बढ़िया नजर आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड को रिवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नज़र आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नज़र आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसिस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2017 में बताया गया था कि कार्ती बकाया कनन के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर अभी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहां पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहां पे कार्थी ने सेट 10 जुलाई को ज्वाइन जो, किया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाईकोटाई हिन्दुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स है गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सिवा तीसरा गाना था यारैम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेकाने और गाया हुआ था बरसन मारविन सोलोमन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की दो अप्रैल दो 2021। हजार इक्कीस मार्च दो हजार इक्कीस में प्रोड्यूसर एस प्रभु ने क्लेम किया कि यह फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थियेटर की जगह ये फिल्मी प्लेटफॉर्म पे आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज़ करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आईएमडीबी पे टोटल तिरतालीस वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहाँ पे पचपन करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओ राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कम्प्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स और साथ ही में ओ राइट्स दोनों गोलमाइन्स के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पर गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म की एंजॉय कर पाओगे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान्श सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुई यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम के माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरियंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और ने का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली स्वामी नागी नीडू, सरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्चिक अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पे माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफी बढ़िया नजर आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड को युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नज़र आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नजर आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसिस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2017 में बताया गया था कि कार् थी बकाया कनन के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर अभी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फिल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहाँ पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहाँ पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहां पे कार्थी ने सेठ 10 जुलाई को ज्वाइन जो, किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था कार्तिन ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फ़िल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इपाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सिवा तीसरा गाना था यारयम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्विन सोलोमोन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो किसको जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स नहीं चाहते थे जिस वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज़ करने के बाद फिल्म को मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहाँ पे पचपन करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ टी टी राइट खरीदे हुए जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म के वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिज्नी प्लस हॉस्टार के ऊपर आपको कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स और साथ ही में ओ राइट्स दोनों गोलमाइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविजन चैनल गोलमस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बात सुल्तान जो दो की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेखरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यांश सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फ़िल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्ती देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के एस सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना ऑपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुकमणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय एंड जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अनालक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपील एक्सपीरियंस है ने रुक्मणी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एमएस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अर्जय ने थलाईवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगमपुली मलई स्वामी नागी सेन्द्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झचक रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नजर आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नज़र आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नजर आते हैं इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्ती बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो तेरह मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहाँ पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहाँ पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेठ 10 जुलाई को ज्वाइन जो, किया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स के गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहां पर ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सिवा तीसरा गाना था यारयम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्वेन सोलोमन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो

लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे 55 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओटीटी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स ख़रीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार ने जिन्होंने दो मई दो को डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविजन के राइट्स और साथ ही में ओ राइट्स दोनों गोल माइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोलमैन के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पे गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे वहीं पे यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन सुल्तान फिल्म की एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो दो की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेखरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज़ किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुई है यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के ए सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरेंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओटा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एमएस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ है और अर्जय ने थलाइवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली मलई स्वामी नागी नीडू सेंद्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सेंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी, पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मि रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नज़र आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नज़र आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसिस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2017 में बताया गया था कि कार्ती बकाया कनन के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहां पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे कास्ट और क्र्यू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहां पे कार्थी ने सेट 10 जुलाई को ज्वाइन जो, किया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था कार्तिन ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस 20 सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स है गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ करवाया हुआ विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारैम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेकाने और गाया हुआ था सिलम्बरसन मार्वेन सोलोमन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही थी और ये सभी चीजें मेकर्स नहीं चाहते थे जिस वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज़ करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आईएमडीबी पे टोटल तिरतालीस वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को फिल्म फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे पचपन करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओटीटी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कम्प्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स और साथ ही में ओ राइट्स दोनों गोलमाइन के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमैंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वित्त इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल माइन्स के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पर गोल्ड माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल माइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म के एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेकरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फिल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान्श सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे पैंतीस मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के ए सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का, का, का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरियंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओटा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ हरीश पेराड़ी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एम एस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अर्जय ने थलाइवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुलिस मलई स्वामी नागी नीडू, सरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंतिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्चे अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक <स्थ> रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नजर आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ वरेज भी नज़र आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्ती बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फिल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो तेरह मार्च दो हज़ार उन्नीस को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहाँ पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहाँ पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहाँ पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून दो में कम्प्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल अट्ठाईस जून दो को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेठ दस जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाईकोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फ़िल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स के गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारय इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्विन सोलोमोन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को, को पोस्टपोन किया फरवरी में में रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइनटीन की वजह से डायरेक्ट थियेटर की जगह ये फिल्म फिल्मी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर दो अप्रैल दो को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो चौबीस मार्च दो को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहाँ पे पचपन करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओ राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगू वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉट ने जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ इंग्लिश सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविजन के राइट्स और साथ ही में ओटी राइट्स दोनों गोल माइन्स के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमैंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल्ड माइन्स के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पे गोल्ड माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे वहीं पे यूट्यूब पे गोल्ड माइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगू तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म की एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेकरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कनन ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फिल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान्श सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म कहानी की कहानी सेट किए हुए यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के ए सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले, ने प्ले, प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जैंड जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरेंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओटा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अर्जय ने थलाईवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली स्वामी नागी नीडू, सरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पे माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नजर आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नज़र आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्थी बकर के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर अभी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फिल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहाँ पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहाँ पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेठ 10 जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था कार्ती ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग, अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स के गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इपाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारैम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्विन सोलोमोन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्कीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स नहीं चाहते थे जिस वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पर आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज़ करने के बाद फिल्म को मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को यह फिल्म रिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे 55 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ टी टी राइट खरीदे हुए जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविजन के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स दोनों गोल माइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमैंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पर गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्ज़न आ, सुल्तान फिल्म के एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेखरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीजें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फिल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सत्यान सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्चि देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के एस सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना ऑपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुकमणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अनालक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपी experiencia पोनवानंद ने रुक्मणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एम एस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अजय ने थलाईवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली मलईस्वामी नागी निडू सेंद्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफी शानदार थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थिक अपने रोल में काफी झचक रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की ये तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफी बढ़िया नजर आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नजर आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफी दमदार नजर आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहां पर कुछ गाने काफी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नज़र आते हैं इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि बकाया बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहां पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून दो में कम्प्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल अट्ठाईस जून दो को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेठ दस जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था कार्थी ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फ़िल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स है गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाया हुआ विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ीथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारय इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेकाने और गाया हुआ था सिलम्बरसन मार्वेन सोलोमन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही थी और ये सभी चीजें मेकर्स नहीं चाहते थे जिस वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्रेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर दो अप्रैल दो को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो चौबीस मार्च दो को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आईएमडीबी पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छह पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे 55 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओटीटी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉट ने जिन्होंने दो मई दो को डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथिंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में यह फिल्म का तमिल वर्जन प्लसान के, के नाम के वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोलमाइंस टेलीफिल्मों ने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविजन के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स राइट दोनों गोलमाइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमैंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमाइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल माइन्स के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पे गोल माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे वहीं पे यूट्यूब पे गोल्ड माइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म के एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीजें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान्श सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड्स को और शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फ़िल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए है यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के एस सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना ऑपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ की की प्ले चीज़ चीज़ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम के माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरेंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एम एस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ है और अजय ने थलाइवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली मलईस्वामी नागी निडू सेंद्रन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झचक रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक <coughs> रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पे माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नज़र आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नजर आते हैं इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्थी बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहाँ पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहाँ पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेठ 10 जुलाई को ज्वाइन जो, किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग, अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स है गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सिवा तीसरा गाना था यारयम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बर मार्विन सोलोमोन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय मास्टर के साथ क्लेश हो रही दो अप्रैल दो 2021। हजार इक्कीस मार्च दो हजार इक्कीस में प्रोड्यूसर एस प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि यह फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइनटीन की वजह से डायरेक्ट थियेटर की जगह ये फिल्मी प्लेटफॉर्म पे आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे 55 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओटीटी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार ने जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर आपको के, सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविजन के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स दोनों गोल माइन्स के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमैंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविज़न पर गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगू तमिल और हिंदी तीनों वर्ज़न आ, सुल्तान फिल्म के एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेकरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कनन ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान्श सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज़ किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुई है यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम के माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरेंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओटा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एमएस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ है और अर्जय ने थलाइवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली मलई स्वामी नागी नीडू सेंद्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सेंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी जज रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मि रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नजर आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नजर आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नजर आते हैं इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्ती बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहां पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहां पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून दो में कम्प्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल अट्ठाईस जून दो को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेट 10 जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था कार्थी ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग लोकेसन अल जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारैम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेकाने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्विन सोलोमन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स था धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो स को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही थी और ये सभी चीजें मेकर्स नहीं चाहते थे जिस वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइनटीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आईएमडीबी पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म रिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे 55 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओटीटी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओटीटी राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार ने जिन्होंने दो मई दो को डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिस सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स दोनों गोल माइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविजन चैनल गोलमैंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमांस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल्ड के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविज़न पे गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे वहीं पे यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म की एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो दो की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेकरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यान सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुए यानी कि जो पुरान है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय एंड जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीर से पोनवानन ने रुक्मणी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओट्टा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है एमएस भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अजय ने थलाइवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंघम पुली मलयस्वामी नागिनीडू सेन्द्रायन शरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सैंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्थी अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मि <coughs> रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था जिस तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड को रिवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नजर आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ वरेज भी नज़र आते हैं इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर दो में बताया गया था कि कार्ती बनंद के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फ़िल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहाँ पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहाँ पे कास्ट और क्रियो मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे कार्थी ने सेट 10 जुलाई को ज्वाइन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग, अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई हिंदुटवा अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फ़िल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स है गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाया हुआ विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इप्पाडी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सेवा तीसरा गाना था यारय इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्विन सोलोमोन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्कीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स था धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय की मास्टर के साथ क्लेश हो रही थी और ये सभी चीजें मेकर्स नहीं चाहते थे जिस वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की जो थी 2 अप्रैल 2021 2021 मार्च 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्लेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर दो अप्रैल दो को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो चौबीस मार्च दो को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज़ करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आईएमडीबी पे टोटल तिरतालीस सौ वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे 55 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें OTT के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ टी टी राइट खरीदे हुए जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिशल विध सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स ख़रीदे हुए गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स और साथ ही में ओटीटी राइट्स दोनों गोल माइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में ख़रीदे हुए जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमैंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल्ड माइन्स के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पर गोल्ड माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल्ड माइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगू तमिल और हिंदी तीनों वर्जन आ, सुल्तान फिल्म के एंजॉय कर पाओगे सुल्तान जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो है बकिया राजन कनन का जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की हुई है डायलॉग्स लिखे हुए अरुल कुमार राज सेकरन हरिहरन सुल्तान और थंगावेलू ने इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट और स्क्रीन प्ले दोनों चीज़ें की हुई है बक्या राजन कन्न ने जिनका ये स्टोरी आइडिया है वही इस फिल्म के डरेक्टर भी है इस फिल्म की कहानी है वो रामायण महाभारत की माइथोलॉजी रेफरेंसेस के थ्रू बनाई गई है जहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा फ़िल्म में महाभारत का जो माइथोलॉजी वाला रेफरेंस लिया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मॉडर्न स्टोरी में सेट किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु इन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बजट काफ़ी मीडियम था उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी सत्यांश सूर्यान ने की हुई है एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 35 मिनट की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ही करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा ने क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स कंपोज किए हुए विवेक और मार्विन ने इस फिल्म के गानों के ऊपर हम बातचीत करें तो फिल्म में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जिसके राइट्स ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ही पास है जो इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मैंने जैसे कहा कि फिल्म की माइथोलॉजी है उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट किए हुई है यानी कि जो पुराण है जो पूरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस लेकर फिल्म की कहानी को मॉडर्न वे में सेट किया हुआ है जहाँ पे लीड रोल में कार्तिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने विक्रम ए के ए सुल्तान का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदाना अपोजिट उनके अपोजिट कास्ट की गई है जो रुक्मणी के रोल में दिखाई देंगे लाल ने मंसूर का रोल प्ले किया हुआ है नेपोलियन ने सेतुपति विक्रम के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्र राजू ने जय सिलान का रोल प्ले किया हुआ है नवाब शाह ने कॉरपोरेट कॉम कंपनी ओनर का रोल प्ले किया हुआ है जय एंड जंजीर ने गाड़ा का रोल प्ले किया हुआ है अभिरामी ने अना लक्ष्मी यानी कि विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है उनका एक स्पेशल अपीरियंस है पोनवानंद ने रुकमणि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो विलेज के हेड है योगी बाबू ने ओटा लोरी का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने शक्ति विक्रम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है हरीश पेराडी ने पुलिस कमिश्नर मानिक वेल का रोल प्ले किया हुआ है भास्कर ने एडवोकेट का रोल प्ले किया हुआ और अजय ने थलाईवा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिंगम पुली स्वामी नागी नीडू, सरत कुमार जी मारी मुथु रामा शरत रवि सेंथिल कुमार एम कामराज संगीता वी राजा रानी पांडियन प्रभु और नामो नारायण जैसे कई अदर सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में काम किया हुआ है जिनके परफॉर्मेंस बखूबी काफ़ी शानदार थी डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है कार्ची अपने रोल में काफ़ी झच रहे थे उनके ऊपर वो किरदार शूट कर रहा था रश्मिक <laughs> रश्मिका ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अपना काम जरूर अच्छी तरह से नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ है रश्मिका मंदना की तमिल वर्जन की डेब्यू फिल्म है इसके अलावा क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उसका मेन रीज़न है फिल्म की कहानी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जहाँ पर माइथोलॉजी रेफरेंस को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था डायलॉग्स बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था कैमरा वर्क बढ़िया था तरह से मीडियम बजट था उस हिसाब से हर एक फ्रेम काफी बढ़िया नजर आ रही थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन अच्छा था साथ ही में जिस तरह से कलर लाइटिंग टोन देखने को मिलता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रही थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर राजा का काफ़ी दमदार नज़र आता है जो सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है फिल्म के गाने डिसेंट थे जहाँ पर कुछ गाने काफ़ी बढ़िया थे तो कुछ एवरेज भी नजर आते इसके अलावा बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है परफॉर्मेंसिस भी सभी की अच्छी थी जिसकी बदौलत ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अक्टूबर 2017 में बताया गया था कि कार्ती बकाया कनन के साथ एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर अभी टाइटल नहीं दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उतना कुछ आगे बातचीत नहीं हुई उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि सुल्तान नाम की फिल्म वो बकाया राजा कनन के साथ करने वाले और उसके बाद में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ पे एक्सप्रेस का नाम रश्मि का मंदना रिवील करवा दिया गया था कुछ फिल्म मेकर्स के द्वारा क्योंकि एक्सीडेंटली ये चीज़ रिवील हुई थी तब मेकर्स ने अभी तक फिक्स नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद ये सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर गए बाद में फिल्म की पूरी कास्ट को भी अनाउंस किया गया था पहले इस फिल्म का नाम सुल्तान द वॉरियर रखा गया था और इसके अलावा इस फिल्म का ये टाइटल चेंज करते हुए बाद में डायरेक्ट सुल्तान कर दिया गया फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो 13 मार्च 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इस फिल्म को जहां पे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के स्टूडियो में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे कास्ट और क्रू मेंबर ने मिलकर इस फिल्म की पूजा सेरेमनी की थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी जहां पे पहला शेड्यूल चेन्नई में था जो करीबन एक अच्छा खासा लंबा शेड्यूल था उसके बाद फिल्म के उस शेड्यूल के दो जून 2019 में कंप्लीट करने के बाद सेकंड शेड्यूल 28 जून 2019 को शायद स्टार्ट किया गया था जहां पे कार्थी ने सेट 10 जुलाई को ज्वाइन जो, किया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद रश्मिका मंदना की जो शूटिंग की बारी आई उसको अगस्त महीने में ले जाया गया क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसको पोस्टपोन किया गया था कुछ अननोन रीजंस आए थे उसको सामने नहीं लाया गया था ने अपनी शूटिंग को सात अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में अलग अलग, अलग लोकेसन जैसे कि डिंडुलगर मलाई कोटाई अलग अलग लोकेशन के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की कुछ पोर्सन की शूटिंग रह गई थी क्लाइमेक्स का पोर्सन अभी शूट करना बाकी था और कोविड नाइन्टीन आ चुका था जिसके चलते बाद में फिल्म को रिज्यूम करा गया लेट में जहाँ पे पच्चीस सेप्टेम्बर दो में चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया था और 8 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई थी अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के राइट्स गानों के ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के पास जिन्होंने इस फिल्म के गानों को कंपोज करवाए हुए विवेक मार्विन के पास गानों की टोटल लेंथ थी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड तमिल ओरिजिनल वर्जन में गानों को कंपोज किया गया था और इस गानों को 24 मार्च 2021 में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना है जय सुल्तान जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर जूनियर नित्या और गाना गुना दूसरा गाना था इपाड़ी इुथा नानंगा जिसके लिरिक्स विवेका ने लिखे हुए थे सिंगर थे एंथनी दसान महालिंगम और विवेक सिवा तीसरा गाना था यारयम इवलो अलगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विवेका ने और गाया हुआ था सीलम्बरसन मार्विन सोलोमोन और गाने की लेंथ थी चार मिनट इक्तीस सेकंड चौथा गाना था पुदू साथम जिसके लिरिक्स धनी कोडी ने लिखे हुए थे सिंगर थे कला कैलाश खेर विवेक सिवा और समीरा भारद्वाज तो ये टोटल चार गाने इस फिल्म में डाले गए थे जहाँ पे गानों की लेंथी तेरह मिनट सैंतीस सेकंड और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाने सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो फिल्म को पहले बाईस मई दो को रिलीज करने वाले थे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूटिंग पोस्टपोन की गई जिस वजह से फिल्म का काम लेट हुआ बाद में फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया पोंगल के मौके पर चौदह जनवरी दो को जो सीधे सीधा विजय मास्टर के साथ क्लेस हो रही वजह से उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया फरवरी 2021 में प्रोड्यूसर एस आर प्रभु ने क्रेम किया कि ये फिल्म इसी डेट पे आने वाली है जहाँ पे कुछ रूमर्स आए थे की ये फिल्म रिलीज नहीं होने वाली कोविड नाइन्टीन की वजह से डायरेक्ट थिएटर की जगह ये फिल्मी प्लेटफॉर्म पे आएगी लेकिन बाद में वही डेट के ऊपर निर्धारित डेट के ऊपर 2 अप्रैल 2021 को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया गया था इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है वो 24 मार्च 2021 को सत्यम सिनेमा चेन्नई में रखा गया था और रिलीज़ करने के बाद फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई पे टोटल तिरतालीस वोट हुए थे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इस फिल्म ने छः पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो लोगों को ये फिल्म डिसेंट वे में पसंद आई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा दिया जहां पे पचपन करोड़ के आसपास का इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन रहा था अब हम बात करें ओटीटी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगू वर्जन के और तमिल वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉट ने जिन्होंने 2 मई 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म के तमिल वर्जन को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल में ये फिल्म का तमिल वर्जन डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको आ, कि सुल्तान के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा अब हम बात करें हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग कम्प्लीट नहीं करवाई हुई है फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स और साथ ही में ओ राइट्स दोनों गोलमाइंस के ही पास है और उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी अच्छी प्राइस में ख़रीदे हुए हैं जब कभी भी इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट होगी तो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा क्योंकि गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स खुद ही रखे हुए हैं तो वो उनकी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय के बाद गोलमेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से हिंदी वर्जन आप एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इस फिल्म का तमिल वर्जन ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो वो वो डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल के पास है तो इस फिल्म को आप टेलीविजन पर गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर यूट्यूब पर गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन सुल्तान फिल्म की एंजॉय कर पाओगे तो बस गैस इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए स्टोरी के एक्सप्लेनेशन एक दे दिए इसके अलावा माइथोलॉजी रेफरेंसेज के बारे में बातचीत कर लिए परफॉर्मेंसेज के बारे में टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी दे दिए साथ में फिल्म कहाँ पर फ्री में किस तरह से ऑफिशियली कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन से वर्जन में देखने को मिलेगी उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू